तो हेलो एंड वेलकम गाइस, माय नेम इज हिमांशु एंड आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल को बेसिक अपडेट। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को बताने वाला हूँ कि आप किस तरीके से अपनी एयरटेल की सिम बंद करा सकते हैं। एयरटेल हो चाहे आप किसी भी अदर कंपनी को, कैसे सिम बंद कराने का क्या प्रोसीजर होता है वो आपको मैं बताने वाला हूँ। तो मान लीजिए अगर आपकी सिम एयरटेल की है तो आपका फ़ोन जो है खो जाता है, या फिर आपको जो है सडनली किसी कारणवश आपको जो है सिम बंद करानी होती है, तो आपको सिंपली क्या करना होता है, कस्टमर केयर पे कॉल मिलानी होती है कंपनी की। और कंपनी का आपको नहीं पता है कि कंपनी का मोबाइल नंबर क्या है, तो कंपनी का मोबाइल नंबर होता है 198 किसी भी कंपनी का, ठीक है, 198, आप ध्यान से सुनिएगा, 198 जैसे कि, ठीक है। अगर आपकी सिम एयरटेल की है तो आपको जो है एयरटेल के किसी व्यक्ति से, अगर आपकी सिम खो गई है या फिर आपका मतलब जो है फ़ोन खो गया है तो आपको सिम बंद करानी है, अगर आपकी सिम एयरटेल की है तो एयरटेल के नंबर से आपको फ़ोन मिलाना है, किसी दूसरे व्यक्ति से फ़ोन मांग के आपको एयरटेल से फ़ोन मिलाना है। अगर सिम आपकी जियो की है तो आपको जो है जियो के किसी व्यक्ति से फ़ोन मांग के, किसी भी आपके रिलेटिव में चाहे किसी दोस्त से मांग के आपको जियो की कंपनी में फ़ोन मिलाना है, नंबर वही रहेगा 198। मैं आपको बता देता हूँ, जब बंद कराओगे तो आपको सीधा कस्टमर सर्विस से बात करनी है, कोई ऐसा ऑप्शन नहीं आएगा, ठीक है, सीधा कस्टमर सर्विस से बात करनी है। वो आपसे क्या क्या डिटेल पूछेंगे, आपका नाम पूछेंगे कि अगर आपको नहीं पता कि किसके नाम पे सिम है तो वो आपको कंफर्मेशन करा सकते हैं कि आपका जो है आप नाम बोलोगे और वो हाँ या ना में आपको जवाब दे देंगे, बस इतना कंफर्मेशन करा देंगे। अगर आपको नाम पता लग जाता है तो फिर आप डेट ऑफ बर्थ भी कर ही लोगे, फिर वो आपसे डेट ऑफ बर्थ पूछेंगे और एड्रेस पूछेंगे। ये तीन चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये तीन चीज़ ज़रूर पूछते ही पूछते, एड्रेस पूछेंगे और नाम पूछेंगे, डेट ऑफ बर्थ पूछेंगे, तब जाके वो आगे अपना प्रोसीजर सिम लॉस्ट का करवाएंगे। और सिम लॉस्ट होने के बाद, अगर सिम लॉस्ट हो गई तो उसमें अपना जो है एक जो आपके पास या फिर अपने फ्रेंड का रिलेटिव नंबर ज़रूर जुड़वाएं। वो इसलिए जुड़वाएं क्योंकि अगर आप इन फ्यूचर वो सिम वापसी निकलवाना चाहते हो तो जो है आप निकलवा पाओगे, अदरवाइज नहीं तो आप सिम नहीं निकलवा पाओगे। कोई सा भी सिम हो, सबके लिए यही प्रोसीजर होता है। तो आप जाके सीधा जो है उसमें नंबर अपडेट करा लेना, ठीक है गाइस। तो आज की वीडियो में जो है मेरे को आशा करता हूँ आपको बहुत पसंद आई होगी, और नहीं पसंद आई तो प्लीज़ बताना कि वीडियो में क्या कमी रह गई थी, ठीक है गाइस। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।